इछावर से बीजेपी के विधायक और पूर्व राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कोरोना मरीजों के आंकड़े को लेकर बेतुका बयान देते हुए कहा कि 85 से 90 करोड़ लोग कोरोना से पीड़ित हैं। विधायक वर्मा मंच से कोरोना को लेकर भ्रम फैलाते नजर आए। सीहोर में भाजपा के पूर्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कोरोना के आंकड़े को लेकर ग्रामीणों को अजीब और गरीब दलील दी। इछावर विधायक करण सिंह ने बेतुका बयान देते हुए कहा कि 85 से 90 करोड़ लोग कोरोना से पीड़ित हैं। यह महामारी चीन से आई है। पूर्व मंत्री के इस बयान से साफ पता चल रहा है कि उन्हें कोरोना मरीजों की संख्या का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। उनके पास कोरोना के मरीजों की जानकारी ही नहीं है। कोरोना के इस संकट काल में जहां सभी जनप्रतिनिधियों की जवाबदारी है कि वो जनता को सही सलाह और जानकारी दें, लेकिन जब जनप्रतिनिधि के पास ही सही जानकारी नहीं तो वे जनता को क्या सलाह देंगे। बहरहाल ये तो वे ही बता पाएंगे कि ये 90 करोड़ का आंकड़ा उनके पास कहां से आया। कभी मकान देख रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं कि 5 फीट दूर रहे। ये महामारी है, ये चीन के द्वारा आई है पूरे देश में। करीब इस समय 85-90 करोड़ लोग कोरोना से पीड़ित है। पैसा सब उसमें जा रहा है, अस्पतालें बन रही है, उद्योग बंद है, आ नहीं रहा पैसा कहीं से, वो सब देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी निवेदन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री निवेदन कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।